कोयले का संकट, मतलब बिजली का संकट रियल है, कुछ न्यूज़ में मैंने देखा, बट एग्जैक्ट रीज़न नहीं बता रहे हैं किसके वजह से। तो ये अभी एक नेक्स्ट लेवल का क्राइसिस लेके आ रहे हैं पावर शॉर्टेजेस का। अगर 10-12 घंटा, 8-10 घंटा बिजली गलाएंगे तो कोई भी धंधा चला नहीं सकता है। डीजल वाला जनरेटर लाएगा, डीजल भी महंगा कर दिया, होटल बिटेल में भी लाइट जाएगा, होटल वाले को जनरेटर लगाना पड़ेगा, डीजल डालना पड़ेगा, और ये लोग डीजल का भी भाव बढ़ा रहे हैं। तो हर तरफ से लोगों को ज़बरदस्ती से डुबाया जा रहा है क्राइसिस इंजीनियर करके। हमारे एरिया में लाइट नहीं जा रहा है, पर कुछ दिनों से एक एक दो दो घंटा जा रहा है, बट पेपर में आया कि हमारे एरिया में लाइट नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे एरिया का लोग बिल भरते हैं, गांव साइड में लाइट जाएगा। और 8-10 घंटा लाइट जाना मतलब बहुत, 15-20 साल पहले ऐसा हुआ था, तभी 10-10 घंटा लाइट जाता था, वो मुझे दिन याद आ गया। मैं बोला अच्छा हुआ मैंने ऑफिस नहीं खोला, मेरा दोस्त डूब गया ऑफिस खोल के, क्योंकि 8-10 कंप्यूटर है, लाइट चला गया कि अभी लाइट है लेकिन इंटरनेट चला गया, क्योंकि इंटरनेट का जो नोड्स है उसको करंट नहीं मिल रहा है, वो एरिया में लाइट गया है। तो इंटरनेट चालू रहता था, लाइट गया है तो कंप्यूटर चालू नहीं, फिर कंप्यूटर चालू हो गया, इंटरनेट चालू नहीं, पूरा धंधा डूबाया। और 5 लाख रुपया वो डूबा था, वो 10-15 साल पहले, 15 साल पहले हुआ रहेगा। तो धंधा खोलेला डूब गया, क्योंकि सब ऑनलाइन काम होता था, कंप्यूटर ही नहीं चालू कर सकता है, कंप्यूटर चालू है तभी इंटरनेट चालू नहीं, ऐसा करके वो डूब गया। और ये जो पावर कटिंग का जो होगा उसमें बहुत सारे धंधे डूबेंगे वापिस, खास करके होटल वाला, होटल में लाइट गया है वो तो चलेगा नहीं, उसको तो जनरेटर लगाना पड़ेगा, उसका खर्चा बढ़ गया और सारे धंधे का खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि जनरेटर हर एक को लेना पड़ेगा, डीजल का भी महंगा करेंगे। ये क्राइसिस इंजीनियर किए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पे। अगर लोग गांव जिधर जिधर लाइट जा रहा है उधर का लोग रास्ते पे उतरेगा, थोड़ा विरोध करेगा, दूसरा दिन से लाइट आएगा, क्योंकि कोयले का शॉर्टेज विल्टेज कुछ नहीं है, ये इंजीनियर किया जा रहा है लोगों को डुबाने के लिए। ये एक क्राइसिस गया, लॉकडाउन में डुबा दिया, अभी लाइट बिल में डुबा देंगे, डीजल में डुबाएंगे, जीएसटी में डुबाएंगे, महंगाई में डुबाएंगे, तो बिजनेस करना है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। और क्योंकि बिजनेस कोई कर नहीं पाएगा, उसके एम्प्लॉयज भी डूब गए, और ऐसा मैसिव लेवल पे हेल्थ डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज, हेल्थ डैमेज, तो चंद फोर्टिफाइड फूड ये सबसे, और वेल्थ डैमेज, महंगाई, पावर कट, और धंधा करने नहीं देंगे उसके वजह से, और हेल्थ वेल्थ डैमेज मजबूत कर रहा है दल्ला।